हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पर्सन जी। फ्रेंड्स, क्या आपका बजट है 6000 का? 6000 के अंडर में कोई अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हो फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताएंगे ऐसा चार स्मार्टफोन जो आपको 6000 के अंडर में देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छे फीचर के साथ। तो फ्रेंड्स, इस चारों स्मार्टफोन का जो एक साइज कंपेयर करके भी दिखाऊंगा आपके लिए कौन सा माल बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फुल देखना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो स्मार्टफोन है होनोट 7S, और दूसरा जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 2, और तीसरा जो इनफोकस विजन 3, और फोर्थ नंबर में है जेनफोन लाइट L1। चारों माल के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो होनोट 7S और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 और जेनफोन लाइट L1 में 5.4 इंच HD+ डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, जो कि इनफोकस विजन 3 में 5.7 इंच फुल HD डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्ले कंपेरिजन करें तो आपको इनफोकस विजन 3 में बहुत ही बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी दिखने को मिलेगा, जो कि आपको होनोट 7S और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 और जेनफोन लाइट L1 और इनफोकस विजन 3 में 18:9 का एफ सी रेशो दिखने को मिल जाएगा, जो कि होनोट 7S और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में TFT IPS LCD डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, और जेनफोन लाइट L1 और इनफोकस विजन 3 में IPS LCD डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, जो कि होनोट 7S और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 और जेनफोन लाइट L1 में 720x1440 डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिखने को मिलेगा, और इनफोकस विजन 3 में आपको 720x1520 डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिखने को मिल जाएगा। बात करते चार माल की प्रोसेसर की, तो आपको होनोट 7S में MediaTek MT6739 का चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर 1.5 GHz में क्लॉक्ड है, और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में भी आपको MediaTek MT6739 का चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर 1.5 GHz में क्लॉक्ड है, और जेन लाइट L1 में आपको स्नैपड्रैगन का 430 का चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर 1.4 GHz में क्लॉक्ड है, और इनफोकस विजन 3 में MediaTek MT6737 का चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टाकोर 1.3 GHz में क्लॉक्ड है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको जेनफोन लाइट L1 में बहुत ही बेहतर प्रोसेसर दिखने को मिल जाएगा। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो होनोट 7S और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में एंड्रॉयड ऑडियो 8.1 दिखने को मिलेगा, जो कि जेनफोन लाइट L1 में एंड्रॉयड ऑडियो 8.0 दिखने को मिलेगा, जो कि इनफोकस विजन 3 में एंड्रॉयड नोकट 7 देखने को मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बात करें तो आपको होनोट 7S में रियर में 13 MP कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको 5 MP कैमरा देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में रियर में 13 MP देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको 8 MP कैमरा देखने को मिलेगा, और जेनफोन लाइट L1 में रियर में 13 MP कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको 5 MP कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि इनफोकस विजन 3 में आपको 13+5 MP का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, और फ्रंट में आपको 8 MP कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि चार माल का रियर में आपको LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बात करें तो इनफोकस विजन 3 में बहुत ही बेहतर कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी के बारे में बात करें तो आपको होनोट 7S में 3020 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में 3050 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, और जेनफोन लाइट L1 में 3000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि इनफोकस विजन 3 में आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि कोई भी मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। कैमरा की बैटरी के बारे में बात करें तो आपको इनफोकस विजन 3 में बहुत ही बेहतर बैटरी क्वालिटी देखने को मिलेगा। स्टोरेज और रैम के बारे में बात करें तो होनोट 7S में आपको 2GB रैम के साथ 16GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में आपको 2GB 3GB रैम देखने को मिलेगा, जो कि 16GB स्टोरेज 32GB स्टोरेज के साथ, और जेनफोन लाइट L1 में आपको 2GB रैम के साथ 16GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, और इनफोकस विजन 3 में 2GB 3GB रैम देखने को मिलेगा, जो कि 16GB स्टोरेज 32GB स्टोरेज के साथ आपको चारों मोबाइल में एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक। बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर इन फेस अनलॉक के बाद, तो आपको होनोट 7S में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 और जेनफोन लाइट L1 में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, जो कि इनफोकस विजन 3 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि फेस अनलॉक नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो आपको होनोट 7S और इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 और जेनफोन लाइट L1 आपको प्राइस देखने को मिलेगा 5999, जो कि इनफोकस विजन 3 आपको प्राइस देखने को मिलेगा 6200 रुपये में। ये चारों मोबाइल में चारों मोबाइल जो है आपको फ्लिपकार्ट में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स यही था 6000 के अंडर में चार स्मार्टफोन। चार स्मार्टफोन से कौन सा माल आपको बेहतर लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।